नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। तीसरी लहर में कोरोना फुल फॉर्म में है। संक्रमितों की संख्या हर दिन पुराने रिकॉर्ड तोड़ते जा रही है और सरकार की सारी तैयारियां कम पड़ रही हैं क्योंकि अस्पतालों में बिस्तर भी एक सीमा तक ही लगाए जा सकते हैं। लॉकडाउन पर सरकार का रवैया साफ है कि संडे के अलावा लॉकडाउन संभव नहीं, लेकिन फिर भी अलग अलग शहरों में स्थिति के हिसाब से लॉकडाउन लगाया जा रहा है और छिंदवाड़ा में 3 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। ऐसे में अब लोगों पर जुर्माना लगाकर सख्ती भी की जा रही है ताकि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लेकिन इतना भी जब नाकाफी साबित हो रहा है तो अब सरकार का पूरा ध्यान वैक्सीनेशन पर आ चुका है। लिहाजा 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को अब फ्री में कल से वैक्सीन लगाए जाने का सिलसिला शुरू हुआ। हर दिन करीब 4 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है और पहले दिन ही 3,89,000 लोगों को वैक्सीन लगाया गया, जो बहुत बड़ी कामयाबी है। सरकार को संतोष है कि कम से कम वैक्सीन के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के बावजूद कोरोना के नए केसों की रफ्तार बढ़ रही है। खासतौर से इंदौर, भोपाल, जबलपुर में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू बेअसर नजर आ रहे हैं, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इंदौर में नए केस मिलने की रफ्तार जो है वो संडे के लॉकडाउन के बाद दोगुनी हो चुकी है। लॉकडाउन से पहले करीब 350 केस मिल रहे थे और अब रोजाना 700 केस सामने आ रहे हैं। भोपाल में हर दिन लगभग 500 की संख्या में मरीज मिल रहे हैं। उधर आपको बताएं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा खराब हालत है और वहां पर अब जरूर बहुत सारे एहतियात बरते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में ट्रेसिंग और सीलिंग पॉलिसी के अलावा लंबा लॉकडाउन लगाया जा रहा है। ट्रेसिंग यानी जहां ट्रेस हो रहा है कोरोना, उस जगह को सील कर दिया जा रहा है और महाराष्ट्र में हर दिन करीब 30,000 केस आ रहे हैं। और इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो 2,777 केस कल मिले हैं और ऐसे में जो 6 महीने का रिकॉर्ड था वो मध्य प्रदेश में टूट गया है। और चलिए, इस वक्त हमारे साथ भोपाल से सीनियर डॉक्टर पालीवाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर जेपी पालीवाल जी, आपका बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले एक कमेंट सर आपसे चाहेंगे, ये जो कोरोना की स्थितियां हैं, एक तो ये क्या तीसरी लहर है या फिर लोगों ने ज्यादा लापरवाही बरती या जो ढिलाई थी उस वजह से ये जो कोरोना के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं? सर, जी डॉक्टर पालीवाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर जी, डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? चलिए, लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। योगेश यादव जी हमारे साथ में जुड़ गए, कांग्रेस प्रवक्ता, और रवि अवस्थी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत करते हुए पहला कमेंट योगेश जी आपसे, इंदौर भयावह स्थितियां हैं और पूरे मध्य प्रदेश में, हालांकि देश में देखा जाए तो 6ठे नंबर पर है मध्य प्रदेश, लेकिन क्या लग रहा है योगेश जी आपको, क्यों इस तरह के हालात बन रहे हैं? जो सवाल था डॉक्टर साहब से मेरा, वही आपसे दोहराता हूं मैं कि क्या ये लापरवाही का नतीजा है या फिर वाकई जो कोरोना की तीसरी लहर है वो इतनी खतरनाक है कि तमाम एहतियात और जो अच्छी इम्यूनिटी है वो सब धरी की धरी रह जा रही है, क्या है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इसको ये ना समझिएगा कि हम कांग्रेस के हैं तो इसलिए सरकार की आलोचना कर रहे हैं। ये एक स्वाभाविक स्थिति स्वयं सरकार द्वारा निर्मित की गई। जिस तरीके से जनवरी में छूट दी गई थी तो उस समय तो इस तरीके से उल्लास और आनंद सरकार ने शुरू कर दिया था कि जैसे कोरोना गायब ही हो गया। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी, जो हमारी सचेतना जारी थी उसकी निरंतरता हमने तोड़ी है। अच्छा, निरंतरता तोड़ने के बाद जो एकदम चौगुने रफ्तार से कोरोना लौटा है तो उसके कारण हड़बड़ाहट में जिस तरीके के फैसले जबलपुर में, इंदौर में और भोपाल में लिए गए कि वन डे कर्फ्यू, जो संडे का कर्फ्यू, उसका उलट हुआ है। जनता को घबराहट महसूस हुई, जनता दुगनी रफ्तार से दुगनी संख्या में सड़क पर आई, बाजार में आई और इस हौच-पौच की स्थितियां निर्मित हो गई कि कर्फ्यू लगने वाला है, लॉकडाउन लगने वाला है। इसके बजाय यदि सरकार शने शने तरीके से इस कार्य को करती और अपनी सचेतना जो 20 तक दिसंबर 20 तक जारी थी उसकी कंटिन्यूटी बनाकर रखती तो ये भयावह स्थिति नहीं। सरकार की बेपरवाही इसमें मूल कारण है। और सबसे बड़ी बात है, हम लोगों को जिस दिन से टीका मिल गया, जब से टीकाकरण का अभियान शुरू किया, पहले फील्ड ऑफिसर्स का,
उसके डॉक्टर्स का, फिर उसके बाद हमारा अबो 60 से जो एजेस के लोगों को दिया गया, इसकी रफ्तार मैं मानता हूं कि धीमी रफ्तार रही। हम एक तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व गुरु बनने के चक्कर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी शुरू हो गए, निर्यात करेंगे, अनुदान देंगे साहब, दूसरे देशों को हम ऑब्लाइज करेंगे, विश्व गुरु बनने की आवश्यकता नहीं है साहब। हमें 24 घंटे की रफ्तार से कोरोना के टीकाकरण का अभियान जारी रखना था। ये वो संकेत थे कि जो हमने अपनी लापरवाही को स्वयं अपने हिसाब से किया। अच्छा, सरकार का एक कर्तव्य होता है कि कर्तव्य जनता को कर्तव्य। मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ योगेश जी, चूंकि हमारे साथ डॉक्टर पालीवाल एक बार फिर जुड़ गए। डॉक्टर जेपी पालीवाल जी, आपका बहुत स्वागत है सर। और सवाल यही कि ये स्थितियां क्यों बन रही सर, कि इतनी संख्या में कोरोना के केस अब आ रहे हैं, क्या ये लापरवाही बरती गई पिछले 2-3 महीने में उसके नतीजा है, या फिर वाकई कोरोना की ये तीसरी लहर है और कोई नया स्ट्रेन है जो ज्यादा घातक है सर? देखिए, ये तो सच है कि इसमें एक नया स्ट्रेन भी है। यदि विश्व पटल पर यदि हम कुल कोरोना के स्ट्रेन की इस वक्त व्यावहारिक रूप से वैज्ञानिक संख्या देखें तो 771 प्रकार के स्ट्रेन कोरोना के इस वक्त विश्व पटल पर हैं, जिनमें शासन द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह स्वीकार किया है कि 18 प्रदेशों में जो कोरोना के स्ट्रेन है वो ज्यादा घातक है। पुराना जो कोरोना स्ट्रेन था उससे 2 से 6 गुना ज्यादा घातक है और ज्यादा तेजी से फैलने वाले हैं। तो ये तो हुआ कोरोना के संदर्भ में कि उसने अपना स्वरूप और उसने अपनी मारक क्षमता और तीव्रता को बहुत ज्यादा तेजी से अपना स्वरूप बदलाया, तीव्रता बदली और मारक क्षमता बदली है। अब प्रश्न ये आता है कि हम पिछले कुछ महीनों से क्या कर रहे थे। निश्चित तौर पर हम यदि कोरोना खत्म हो गया था तो हम आत्मदंभ में दुदुम्बी बजा रहे थे कि कहीं ना कहीं कोरोना समाप्त हो गया, अब हम इस चीज से निजात पा गए, जबकि ऐसा कतई नहीं था। एक अज्ञात शत्रु जो कहीं से भी कभी भी कैसे भी आक्रमण कर सकता है, हमने उस बारे में अपने आप को चैतन्य अवस्था में नहीं रखा। इसमें हर लेवल पर मैं समझता हूँ कि हमारे देश में लापरवाहियां हुई है। लोगों ने भी अपने दायित्व को समझे बगैर जैसे ही छूट मिली उन्होंने अपने सारी दिनचर्या को इतना छूट के साथ मनाना शुरू किया कि पाबंदियों को तोड़कर आत्मदंभ के साथ साथ उन्होंने मुगालते में रहे। और कहीं ना कहीं अब देख रहे हैं कि जो नया जो स्वरूप आ रहा है, परिवार के परिवार कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं। दूसरा, निश्चित तौर पर शासन की तरफ से भी शिथिलता रही। और यदि वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन की योजना में जिस तरह की योजना चली है उसका मैं स्वागत करता हूँ। कमियां और खामियां या मेरा कोई आलोचना मेरा करना मैं आलोचना करना मेरा न विषय है न मैं मेरा उद्देश्य है। मैं तो ये चाहता हूँ कि अब आने वाले कल में सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन को निशुल्क करके या फिर सशुल्क करके जैसे भी हो सभी ग्रुप के लिए कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराना चाहिए। क्योंकि मेरे अस्पताल में इस वक्त 40 मरीज भर्ती हैं, उनमें से लगभग 60% से ज्यादा रोगी 45 वर्ष से कम उम्र के। अच्छा, तो ये आंकड़ा ये बताता है कि शासन को 15 वर्ष से उम्र के सारे पूरे देश के सारे नागरिकों के लिए कोरोना की वैक्सीनेशन की योजना बनाकर इसको युद्ध स्तर पर बिल्कुल जल्द से जल्द वैक्सीन करना चाहिए। हमारा देश 130 करोड़ आबादी का देश है, जहां हम अभी तक सिर्फ 4 या 5 करोड़ लोगों का वैक्सीन कर चुके हैं, कर पाए हैं। यदि इस रफ्तार से वैक्सीन चला तो 2 साल हमें वैक्सीन में लग जाएंगे। इस बीच में कोरोना की 2-3 लहर और आई तो लाशों का एक अंबार लगा देगी और पूरे देश की अर्थव्यवस्था और यहाँ के लोगों को बर्बाद करके रख देगी। बिल्कुल सर, बहुत खतरनाक संकेत आप दे रहे हैं सर, और वाकई सुन के ही रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि जैसा सर आशंका जता रहे हैं भगवान न करे ऐसा कुछ हो। लेकिन डॉक्टर साहब ने ये सर आपने बहुत अच्छी, हालांकि वैक्सीनेशन को लेकर मैं आपसे सवाल करते हैं, लेकिन आपने पूरी बात बता दी। अभी भी सर लोग भय खा रहे हैं वैक्सीन को लेकर के, डर है, वो इंतजार में है, देखते हैं इसको क्या होता है, उसको क्या होता है, क्या रिएक्शन आते हैं, कई लोगों के मन में यही चल रहा है, उनको क्या कहेंगे सर? ये देश की उदासीनता है, उदासीनता की वजह से ही हम बरसों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे और फिर मुगलों के गुलाम रहे और अब हम हमारी मानसिकता के गुलाम हो गए। हमने अपनी मानसिकता ये बना ली कि वैक्सीन बीमारी हमारा कुछ नहीं कर पाएगी और वैक्सीन की हमें जरूरत नहीं है। ये मानसिकता है जो जब तक हमारी है, वैक्सीन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को प्रोटेक्ट करती है। मेरे पास पिछले कुछ दिनों का ऐसा अनुभव है कि जिन्होंने वैक्सीन लगा लिया था उनको यदि कोरोना भी हुआ तो उसकी तीव्रता बहुत कम थी और वो बहुत सुरक्षित रहे। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि वैक्सीन लगाना मतलब वो आपके शरीर के अंदर से आपकी लड़ाई बीमारी से लड़ने की क्षमता को निर्मित करता है, क्षमता का
क्षमता को बढ़ाता है। वो वैक्सीन मास्क नहीं है जो आपके संक्रमण को अंदर जाने से रोकेगा, लेकिन यदि संक्रमण अंदर चला गया तो उसके प्रति शरीर की लड़ने की क्षमता को बढ़ाकर उसको कहीं ना कहीं हराने में कामयाबी हासिल करेगा और बहुत हल्के लक्षणों के साथ व्यक्ति रोग रहित होने की संभावनाएं उसकी प्रबल होंगी। इसलिए कोरोना के वैक्सीन को लेकर जो भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों को लोगों को अपने मन मस्तिष्क से निकालना चाहिए और अपनी मानसिकता की गुलामी से बाहर निकल आगे बढ़कर अपने और अपने बच्चों और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, इस देश और प्रदेश के हित के लिए खुद आगे आकर वैक्सीन करवाना चाहिए। और शासन को भी 15 वर्ष से ज्यादा उम्र के सारे लोगों के लिए वैक्सीन खुला कर देना चाहिए। बिल्कुल, ये सबसे सर इम्पोर्टेंट पॉइंट था और लगातार हम डीएनएन के माध्यम से ये मुद्दा उठाते रहे कि जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो 15 से 50 एज वाले ही सड़कों पर सबसे ज्यादा रहते और उनको सबसे पहले वैक्सीन की जरूरत थी। और अब सरकार ने हालांकि 45 पार के उम्र वालों के लिए ये अभियान चलाया है, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि वाकई इसको युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए, इसमें चूक और देरी नहीं होनी चाहिए। एक सवाल और सर मैं आपसे पूछ ले रहा हूं, क्योंकि आपके पास समय की सर कमी होगी, मैं समझ सकता हूं आपने इतनी व्यस्तता के बीच में समय निकाला है। सर क्या लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू, इससे कुछ असर होगा, कुछ काबू में आ पाएगा क्या? एक जैसे महाराष्ट्र में हो रहा ट्रेसिंग और सीलिंग और फिर उसके बाद लंबा लॉकडाउन, क्या ऐसा फिर कुछ मध्य प्रदेश में होना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि यदि लॉकडाउन, यदि कर्फ्यू रात्रिकालीन है तो रात में उल्लुओं में तो वैक्सीन वो कोरोना होना नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। यदि हम कर्फ्यू लगाएं तो शाम को 6 बजे से अगले दिन सवेरे 6 बजे तक लगाएं, ताकि हमारा जो अधिकतम मूवमेंट का समय है उसमें से कुछ घंटे हम उसको तोड़े। अभी शासन ने जो कर्फ्यू लगाया वो रात को 9 या 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक लगाया, तब तक मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम लोग घर के अंदर चले जाते हैं। मैक्सिमम मूवमेंट इवनिंग में खत्म करना है तो उसको कर्फ्यू का समय को शाम को 6 से सवेरे 6 तक करना चाहिए और सख्ती के साथ करना चाहिए, चाहे उसमें डंडे बरसाना पड़े, चाहे उसमें आलोचना सहन करना पड़े, लेकिन भले के लिए। यदि हम किसी प्रकार का दंड देते हैं तो वो दंड नहीं कहलाता है, वो समाज के हित की बात होगी, एक चीज। दूसरी चीज, यदि लॉकडाउन की यदि यही हालात रहे तो निश्चित तौर पर लॉकडाउन की प्रबल संभावना से मना नहीं किया जा सकता, लेकिन जगह जगह व्यापारी लोग, परिवार के लोग जो भूखों मरने की नौबत आ रही, व्यापार के कारण जिन हर घर में जो दरिद्रता ने पैर पसार लिए, उसके कारण यदि लॉकडाउन लंबा किया तो इसका भी मैं समझता हूँ कि जबरदस्त विद्रोह की अंदर ही अंदर आग सुलग रही जो मुझे दिखाई दे रही। शासन को दिन के लॉकडाउन को नहीं लगाना चाहिए, लेकिन रात्रिकालीन लॉकडाउन का समय बढ़ाकर और सख्ती करके मास्क और कैप के लिए, मास्क के लिए और सैनिटाइजर के लिए सख्ती करना चाहिए। साथ ही शासकीय नुमाइंदों और नेताओं को भी ये समझना चाहिए कि जिस तरह की सभाएं वो कर रहे हैं वो न देश हित में है न उनके हित में है। जब वो सभाएं करते हैं तो उनके मंच को तो वो 100 मीटर दूर रखकर चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, लेकिन आम जनता एक दूसरे के नजदीक रहती है। ये समझना चाहिए राजनीतिक नुमाइंदों को भी कि वो जिस तरह की सभाओं को करके इसमें कोविड फैलाने में बहुत बड़ी योगदान, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये मूल्यांकन है, ये विश्लेषण है, आलोचना नहीं है, कहीं ना कहीं राजनेताओं की भी इस कोरोना को फैलाने में भूमिका दिखाई दे रही बहुत है। बहुत अहम बात है कहीं सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला और डीएनएन से बातचीत की आपने, तो देखिए बहुत अहम बात है, टू द पॉइंट बातें कही है डॉक्टर साहब ने कि देखिए हमने लापरवाही की उसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं, सरकार ने लापरवाही की उसका खामियाजा सरकार भी इस स्तर पर भुगत रही है कि आलोचनाओं का शिकार भी हो रही है, पैसा भी खर्च हो रहा है और कोरोना भी बेकाबू होते जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि वैक्सीन लगवाना ही अब एकमात्र हल रह गया है कोरोना से निपटने का। रवि अवस्थी जी हमारे साथ में जुड़े, सर माफी चाहूंगा देरी से आपके पास आ रहा हूं, लेकिन रवि जी क्या स्थितियां हैं? एक तो ये कि लगातार ये मांग उठ रही थी कि भाई 20 साल से ऊपर वालों को पहले वैक्सीन की जरूरत है, लेकिन अभी 45 पार वालों के लिए अभियान जो कल से शुरू हुआ है अच्छे मार्क्स मिले हैं, या यूं कहना चाहिए जैसे 4 लाख का टारगेट था तो 3,89,000 तक अगर टारगेट पहुंचा तो बहुत अच्छा कहा जाएगा, लेकिन और क्या चल रहा है सर शासन स्तर पर? क्या बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी, क्या नए सेंटर खोले जा रहे हैं, खोले जाने चाहिए, या सरकार क्यों अब वो जो पहले वाली सरकार थी या मतलब जिस तरह के इंतजाम पहले किए गए थे वो अब क्यों नहीं हो पा रहे? रवि जी देखिए, दीपेश जी मैं डॉक्टर पालीवाल और योगेश जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए मैं 2-3 महत्वपूर्ण सुझाव जो है मुझे लगता है कि होना चाहिए। नंबर एक तो पहला, केंद्र शासन स्तर पे नीति में बदलाव होना चाहिए टीकाकरण की नीति में। मेरा मानना है कि जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण अधिक है सबसे पहले तो उन राज्यों में 100% कोरोना अभियान चला, लोगों को लगाने के लिए अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जाए। जिन राज्यों में कम है उनको दूसरी प्रायोरिटी में रखा जा सकता है, तो एक तो नीति में बदलाव की जरूरत है। दूसरा जो एज ग्रुप का लिमिटेशन रखा है, अगर वो वास्तव में सही कहा पालीवाल जी ने कि अगर इसी तरीके से चले तो हमें 2 साल तो केवल वैक्सीनेशन में
लग जाएंगे। तो निश्चित तौर पर इस दिशा में भी सोचने की जरूरत है। जैसे डॉक्टर पालीवाल ने कहा कि 15 साल से अधिक आयु वर्ग के जितने भी लोग हैं उनको व्यापक स्तर पे अभियान चला के जो है वो टीकाकरण, तो मेरा भी मानना यही है कि अभी देखा यह जा रहा है कि कुछ सेंटर्स बनाए गए हैं और वहां पर क्योंकि गर्मी का मौसम है, लोग जो है घरों से निकलने में भी परहेज करते हैं, कई बार कुछ बुजुर्ग है जो जाने आने में हिचकिचाहट करते हैं, और इसके अलावा भी कुछ मिथक लोगों में व्याप्त है, उन मिथक को दूर करने की बहुत जरूरत है। दीपेश जी, मैं अभी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के आरडीओ सुन रहा था, मुझे जो मिले ग्रामीण स्तर से, उसमें पंचायत सचिव जो है जो लोगों से निवेदन कर रहे हैं और लोगों का जो रिएक्शन है वो बिल्कुल ही अलग है कि उनको भ्रांतियां है कई तरह की टीकाकरण से कुछ नुकसान होगा, तो इस दिशा में भी जागरूकता अभियान चलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा ये दीपेश जी की 4 लाख का टारगेट आपने मध्य प्रदेश में तय किया, बहुत अच्छी बात है, पहले दिन अचीव भी हुआ है 90% से अधिक, लेकिन इसको और अधिक व्यापक बनाने की जरूरत है। सरकार को सारे काम छोड़ के गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जो है इस तरह के कैंप लगाकर खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में भी जो है वो व्यापक स्तर पे टीकाकरण करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर ये किया जाता है केंद्र शासन स्तर पे अगर नीति में बदलाव करके राज्यों की प्राथमिकताएं तय की जाए, दूसरा ये है कि एज ग्रुप खत्म किया जाए, तीसरा ये है कि प्रदेश सरकार अगर व्यापक स्तर पर इस अभियान को चलाए तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नियंत्रण इस पर पाया जा सकेगा। जी बिल्कुल रवि जी, इसके अलावा जो कल समस्याएं आ रही है, लगातार 4-4, 5-5 घंटे लग रहे हैं टेस्ट का सैंपल देने के लिए, रिपोर्ट कब आएगी वो तो छोड़ दीजिए, सैंपल अकेला देने के लिए, नहीं लगता कि सरकार को टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए थी? जिस तरीके से पहले चल रही थी कि रैपिड टेस्ट करें आप, कई जगह पर भोपाल में पहले जांच हो रही थी, अब जेपी में ही 5-5 घंटे लग रहे हैं, इस बारे में क्यों नहीं सरकार का ध्यान है रवि जी? मैं दीपेश जी बिल्कुल जो पहले दौर में जो देखा गया था स्वास्थ्य अमले में वो कहीं ना कहीं उसमें उदासीनता नजर आ रही है। अगर भोपाल के ही उदाहरण लिया जाए तो देखिए जेपी अस्पताल में कल जो दो घटनाएं हुई हैं, दो लोगों की मौत हुई है ऑक्सीजन की कमी के कारण, हमीदिया अस्पताल में भी स्ट्राइक की नौबत आई है, तो उसके पीछे भी वजह यही बताई जा रही है कि वहां पे कोरोना संक्रमण के रोगियों को देखने में कुछ लापरवाही सामने थी, जब सरकार ने थोड़ी सख्ती की तो आज चिकित्सक जो है वो हड़ताल पर उतारा है। अलग मसला है, ये दोनों अलग बिंदु है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों को भी कहीं ना कहीं एक बार फिर से सहयोग की भूमिका अदा करनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा सकारात्मक रूप नहीं रखते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार को इनकी दिक्कत होगी। मेरा सवाल ये था रवि जी कि जैसे पहले कई जगहों पर जांच हो रही थी, अब भोपाल में गिने चुने जगहों पर, फ्री में भी नहीं हो रही कई जगहों पर, ये स्थितियां हैं, और जेपी अगर ज्यादा सेंटर बनाए जाते तो ये जेपी में 5-5 घंटे नहीं लगते, सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं भी वही कह रहा हूँ कि सरकार ने एस्मा लगा के और स्वास्थ्य सेवाओं को लागू करने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं जो अवरोध दोनों तरफ से देखने, सरकार की तरफ से जो पहले उत्साह वर्धन करके और लोगों को जो प्रमोट किया गया था, जो लोगों का स्वास्थ्य कर्मी हो चाहे वो फ्रंट वर्कर हो, उन सभी को उन्होंने सरकार ने उसका एनकरेज करके और आगे बढ़ाया था, और अब वो कहीं कहना है वो कमी कहीं दिख रही है। अब सरकार एस्मा लगा के फोर्सफुली जो है वो काम को करवाना चाहती है, और स्वास्थ्य अमला जो है वो अब कहीं वो भी उदासीन नजर आ रहा है। तो ये तमाम पहलू है, इसमें एक बार फिर से सामंजस्य बनाने की जरूरत है कि दोनों ही तरफ से सरकार भी उदारता का रुख अपनाए और स्वास्थ्य कर्मियों को जो है उत्साहित करे, प्रोत्साहित करे कि भाई वो जो है अपनी सेवाओं के प्रति ललक रखे, और तभी जो है दोनों तरफ से दोनों हाथ से ताली बजना जरूरी है। साथ में रहेगा हमारे साथ योगेश जी जुड़े हुए। योगेश जी देखिए, डॉक्टर साहब की बात भी आपने सुनी, रवि जी की बात आपने सुनी, और अब ये हम कहें कि आलोचनाओं का, गिले शिकवे का या कमियां निकालने का वक्त निकल गया है, अब तो ये है कि सरकार पर जो कमी आपको लग रही है उसके लिए सीधे आप प्रेशर बनाएं। यानी महाराष्ट्र में आज भयावह स्थितियां हैं, छत्तीसगढ़ एमपी को पीछे छोड़ रहा है, दोनों स्टेट में आपकी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीति वाली बात नहीं, दोनों स्टेट में आपकी सरकारें हैं, महाराष्ट्र में छत्तीसगढ़, वहां हालात बहुत ज्यादा खराब है। ऐसे में योगेश जी क्या लग रहा है, वैक्सीनेशन पर सरकार का जोर है लेकिन और क्या किया जाना चाहिए कि इस तरह के हालात न पनपे? योगेश जी देखिए, दीपेश जी, डॉक्टर साहब ने जो बातें कही बहुत तकनीकी तौर पर गौर करने लायक बातें, रवि साहब की बातें बहुत अच्छी बातें कही गई। अब ये बातों में उन्होंने एक सुझाव दिया है और जिसको इम्प्लीमेंट, इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसको क्रिटिसाइज के रूप में ना लेते हुए हम इसको एक सकारात्मक पहल के रूप में लेते हैं तो मैं सोचता हूँ बहुत ही अच्छे परिणाम आ जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब की क्रिएटिविटी,
रवि साहब की क्रिएटिविटी इसी बात को लेकर की थी कि हमें जो पहले जो हो रहा था वो नहीं हो पा रहा है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 2 गुना से 6 गुना की रफ्तार से ये वापस पुनः लौट कर आ रहा है, तो जो पिछले साल की व्यवस्था थी जो कलेक्टर ने की ओर से, कलेक्टर से या एसडीएम की ओर से क्वार्टाइंस के बड़े बड़े गार्डन बुक किए जाते थे, भोजन पानी उनको दिया जाता था और जिस रफ्तार से उनको कवर करके उस मोहल्ले को कंटेनमेंट जोन घोषित करके उस जगह को प्रतिबंधित किया जाता था और उस जगह टीम पहुंच जाती थी, किसी घर पर यदि कोरोना पॉजिटिव पाए जाते थे तो घर को लॉक किया था। अब ये ऐसा लगता है कि जैसे सरकार थक गई, अब सरकार थकी क्योंकि आज भी मैं कहूंगा फील्ड ऑफिसर से हमारे डॉक्टर जो हमारे कर्मी है वही थके हैं, इसमें सरकार की चेतनता और सभी जागरूकता की आवश्यकता है। सरकार ने कि हमने कर्तव्य को अच्छी तरह किया है और इसी अब इसी की बात नहीं है, तो उन्हें रफ्तार से हमें आना पड़ेगा और 24x7 हम लोगों को अब जैसा कि रवि साहब बता रहे थे, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमें अब मोहल्ला क्लिनिक करके छोटे छोटे मोहल्लों में, क्योंकि हमारे पास ना डॉक्टर्स की कमी ना जूनियर डॉक्टर्स की कमी है, हम जेडी का उपयोग करें, हम अपने कंपाउंडर्स का, नर्सेस का उपयोग करें, बिल्कुल जैसे पल्स पोलियो अभियान चलता है कि घर घर जाकर के भाई दवाई पिलाई जाएगी, ऐसे हमें लगता है घर घर जाकर वैक्सीनेशन करना पड़ेगा लोगों का, वरना ये क्योंकि हम इंतजार में अगर हॉस्पिटल में बैठे रहेंगे, कोई आ पा रहा है, किसी की कुछ मजबूरियां हैं, कोई बीमार है, किसी को पता ही नहीं कहां वैक्सीनेशन हो रहा, तो ये तमाम चीजें। रवि जी, फ्रांस हो, ब्राजील हो, दुनिया के कई देश हैं बुरी तरह जूझ रहे हैं, मतलब उनको समझ नहीं पड़ रही है कि क्या करें कैसे करें, इतने खराब गंदे हालात है वहां पर। भारत में वही स्थितियां बनने लगी, आज महाराष्ट्र संपूर्ण लॉकडाउन की ओर बढ़ चुका है, ठीक है, मध्य प्रदेश में अगर यही हाल रहे, इंदौर भोपाल में मांग उठने लगे, व्यापारी मांग करने लगे हैं, आम लोग मांग करने लगे कि अब तो लॉकडाउन लगा दिया जाए, वरना पता नहीं, क्योंकि सभी ने देखा है किसी ना किसी करीबी को कोरोना की भेंट चढ़ते हुए। ऐसे में सरकार का हमें लग रहा है कि वो जो अब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आप मास्क लगाने की अपील करें, सब बातें, लेकिन उसके अलावा आपको अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को और दुरुस्त करना होगा, आपको और इंतजाम बढ़ाने होंगे। रवि जी, इस पहलू पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हो या स्वास्थ्य विभाग के अमला हो या प्रमुख सचिव हो या कमिश्नर हो, क्या कर रहे हैं वो लोग, क्या कुछ एक्सरसाइज करते नजर आते हैं, समीक्षा बैठकें हो रही हैं, आंकड़े जारी कर दिए जा रहे हैं, वही गाइडलाइन रोज रोज आप एक ही बात बता रहे हैं, लेकिन आप ये तो बताइए कि आपने नया क्या किया, आप क्या नया कर रहे हैं, रवि जी इस बारे में क्या कुछ कह पा रहे हैं अधिकारी? देखिए दीपेश जी, मैं बिल्कुल कोरोना की समीक्षा रोज हो रही है, मुख्यमंत्री सुबह शाम जो है बिल्कुल लगातार निगाह लगे हुए हैं, उनकी तारीफ की जानी चाहिए कि उन पर काफी दबाव भी बना हुआ है, अधिकारी जो जानकारी दे रहे हैं उसके हिसाब से बार बार, लेकिन मुख्यमंत्री जी का प्रयास यही है कि किसी भी तरह आर्थिक गतिविधियां प्रभावित ना हो, इसलिए उन्होंने लॉकडाउन को कभी भी मंजूर नहीं किया, केवल रविवार को छोड़कर उन्होंने कहा कि एक ही दिन का लॉकडाउन भारी पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में वो बार बार मास्क लगाने की, सोशल डिस्टेंसिंग की अपील कर रहे हैं, इसके अलावा भी उन्होंने अधिकारी के स्तर पर भी इसी तरह के निर्देश जारी करे, अधिकारियों को भी मैदान में उतारा गया, देखा कि अभियान चला, लेकिन ये तमाम चीजें जो दीपेश जी आपका सवाल यही है कि क्या सख्ती करनी पड़ेगी, सरकार ने अभी ऐसा लगा के कोशिश की है, लेकिन मैंने कहा ना कि ताली दोनों हाथ से बजाना जरूरत है, अगर मान लीजिए स्वास्थ्य अमला मदद नहीं करेगा तो सरकार क्या कर लेगी, सरकार अपना काम करेगी, ठीक है वो अभी जैसे योगेश जी कह रहे थे कि पिछली बार की तरह कंटेनमेंट जोन बना दिया जाए, बदली लगा के रास्ते रोके जाए, अगर हम सब भाई चाहते हैं कि एक बार फिर से हमें उन्हीं दिनों में लौटना पड़े तो सरकार तो अफ्तर, मुझे लगता है कि फिर अंततः नतीजा वही होगा कि सरकार को लॉकडाउन लगा के और तमाम प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे, लेकिन ऐसे हालात ना बने उसके लिए जरूरी है दिपेश जी। और एक और मिथक, मैंने मिथक की बार बार मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, कई लोगों में कई लोग जो है इसमें गलत अवधारणाएं धारणा पालन किए हुए हैं, अभी हालांकि डॉक्टर पालीवाल ने जी ने भी यही बात कही थी कि जो मानसिकता है वो अगर आप केवल आलोचना के लिए ये सोचते हैं कि ये वैक्सीनेशन गलत है, सब सरकार अपने फायदे के लिए कर रही, तो ये भगवान मालिक है, फिर तो मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। ये जो आप कह रहे हैं रवि जी, ये 80% लोगों की सोच बन गई, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे जिले हैं जहां पर कोरोना का उतना कहर नहीं है, ये मैं भी आपकी बात को बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि लोग यही कह रहे हैं, जब हमारी बात होती है ऐसे लोगों से, उनको हम समझाते हैं, हम बताते हैं कि भोपाल में इतने भयावह, वो कहते हैं साहब कोरोना कुछ है नहीं, ये तो सब पॉलिटिकल गेम है, जहां चुनाव इस तरीके का कुतर्क वहां पर किया, लेकिन लोगों को समझना चाहिए जिन लोगों की मौत हो रही है, जरा एक बार उनसे पूछें उनने क्या नहीं किया, बड़े बड़े डॉक्टर चले गए इस बीमारी की वजह से,
और लोग ये कह रहे हैं कोरोना कुछ नहीं, जरा जाकर के देखिए, भोपाल के कई नामचीन डॉक्टर, अलग अलग शहरों के बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े उद्योगपति, वो पैसा नहीं बचा पाया कोरोना से उनको, ये समझना होगा उन लोगों को। इसलिए आप बचे हुए हैं, तो आप खुशकिस्मत समझिए खुद को, भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि अभी तक आप बचे हुए हैं कोरोना के कहर से। लेकिन मास्क लगाते रहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, जब तक वैक्सीन आपको नहीं लग पा रहा पहले तो कोशिश कीजिए कि आपको वैक्सीन जल्दी से जल्दी लग जाए। कोरोना को बिल्कुल हल्के मत लीजिए, ये मजाक नहीं है, ये मौत का सबब बन सकता है किसी भी वक्त। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप डरें कोरोना से, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप बचाव के पूरे इंतजाम करें। शुक्रिया रवि जी आपका, शुक्रिया योगेश जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए कोरोना की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, ये आप मत किसी को दोष दीजिए कि उनकी वजह से या चुनाव या पॉलिटिकल पार्टियां। आप अपनी हिफाजत खुद कीजिए, अपने परिवार की चिंता कीजिए कि अगर आपको कुछ हो गया उस परिवार को देखने वाला कौन होगा, उन रिश्तेदारों को देखने वाला कौन होगा। इसलिए खुद का बचाव कीजिए, लोगों के बहकावे में मत आइए, भ्रांतियों में मत पड़िए। आपके ऑफिस में कोई मास्क नहीं लगा रहा तो उसको टोकिए, ये बहुत जरूरी हो गया है, वरना कोरोना ऐसी बीमारी है जो एक सेकंड में आपको अपनी चपेट में ले सकती है। और इसका इलाज वाकई बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, सरकार के पास भी एक सीमा तक संसाधन है, इसीलिए कोरोना से बचाव ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही, आप देखते रहिए डीएनए न्यूज़, नमस्कार।